हम हार नहीं सकते हैं। हम इसलिए नहीं हार सकते हैं कि हमारी लड़ाई स्पार्टाकस की लड़ाई है। जब तक देश और दुनिया में गुलामी रहेगी तब तक आजादी की आवाज कायम रहेगी, वो आवाज बुलंद रहेगी। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य सरकार बनाने का नहीं है, हमारा उद्देश्य देश बचाने का है, समाज बनाने का है। इसीलिए हम चुनाव पर निर्भर नहीं करते हैं। चुनाव जीतना अच्छी बात है, चुनाव जीतकर आप उस काम को ज्यादा बखूबी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको यहाँ से पैदल सिकंदराबाद जाना पड़े और जो है हमको फोर व्हीलर मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से हम जल्दी सिकंदराबाद पहुंच जाएंगे, लेकिन फोर व्हीलर नहीं है, इस निराशा में चलना बंद नहीं कर देंगे, चलते रहेंगे, कदम बढ़ाते रहेंगे, तो उस ओर बढ़ते हुए कदम से मंजिल नजदीक ही होगी, मंजिल दूर नहीं होगा। इसीलिए हम आप लोगों से भी एक आग्रह करना चाहते हैं, जहां न्याय की आवाज को, संविधान की आवाज को, जमहूरियत और लोकतंत्र की आवाज को शोरगुल से दबाने का प्रयास किया जाए, जब सच को गुमराह करने के लिए परसेप्शन का इस्तेमाल किया जाए, ये पूरा का पूरा खेल जो है दरअसल वो परसेप्शन का है। परसेप्शन का खेल इस तरीके से हमारे साथ खेला जा रहा है कि जो असल बात है उसको ना बोल करके, जिससे आपकी भावना आसानी से जुड़ सकती है उस बात को यदि बोला जाए तो उस परसेप्शन के लोग शिकार हैं बड़ी चालाकी से। हमारी गरीबी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद से आजादी के सवाल को इस रूप में प्रस्तुत किया कि हम देश से आजादी चाहते हैं। हम देश से आजादी नहीं चाहते, हम देश में आजादी चाहते हैं। लेकिन सत्ता ने जो कारनामे किए हैं वो पहली बार नहीं हुआ है। आप दुनिया की तारीख को यदि याद करेंगे, दुनिया के इतिहास को याद करेंगे तो मैं किस खेत का मूली हूँ। सत्ता ने नबी को हिजरत करने पे मजबूर कर दिया, मक्का से मदीना चले गए। ईसा मसीह को सूली पे लटका दिया। इस दुनिया में जिसने भी सच कहने की हिम्मत की उसको या तो जेलों में डाला गया या उसको सूली पे चढ़ाया गया। और आज जब हम अपने दौर को देखते हैं तो हमारे सामने जीता जागता उदाहरण गौरी लंकेश का है। गौरी लंकेश से हमारा इतना नाता है कि गौरी लंकेश अक्सर ये कहती थी कि कन्हैया मेरा बेटा है। और एक ऐसी शख्सियत के द्वारा ये कहा जाना कि मैं उनका बेटा हूँ, ये उनके लिए नहीं मेरे लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये हमारी बदनसीबी है कि उस माँ का प्यार और स्नेह बहुत लंबे समय तक हम लोगों को नहीं मिल पाया। और सत्ता की जो फितरत है कि जिसने पैगंबर को और ईसा मसीह को नहीं छोड़ा, कॉपरनिकस और गैलीलियो को नहीं छोड़ा, इस देश में स्पार्टाकस के दुनिया में जो उदाहरण मिलते हैं गुलामी के खिलाफ लड़ने की, उन तमाम क्रांतिकारियों को और जाबाजों को जब नहीं छोड़ा तो गौरी लंकेश को छोड़ देता ये मुश्किल है। और इसकी एक सीधी सी चाल होती है सत्ता की कि पहले वो आपको डराता है, आप ना डरे तो खरीदने की कोशिश करता है, आप ना बिके तो आपको रास्ते से हटाता है। यही उसका तरीका है, यही तरीका गौरी लंकेश के साथ भी अपनाया गया। अफसोस की बात यह है कि वो गौरी लंकेश, गुलबुर्गी, पानसारे, दाभोलकर, न जाने कितने नाम जो इस हुकूमत को चुनौती दे रहे थे, उनकी कुर्बानी का असर अभी हमको नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हमेशा एक सा वक्त रहता है, वक्त बदलते रहता है। और वक्त जब तक ना बदल जाए
तब तक हमारी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम निराश ना हो। सबसे दिक्कत ये होती है कि जब आप हारता हुआ महसूस करते हैं तो आप निराश होने लगते हैं। कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आप निराश हैं इसलिए हारे हैं या हार कर निराश हो रहे हैं, इसको तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से साझा करना चाहता हूं इस संबंध में कि सच की कभी हार नहीं होती है, ये बिल्कुल सच बात है। और सच संख्या बल का मोहताज नहीं होता है, नंबर का मोहताज नहीं होता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप याद कीजिए पैगंबर का वो जमाना कि उन्होंने जिन चीजों का विरोध किया उसके साथ लोगों का क्या बर्ताव था। लोग तो उनके साथ नहीं खड़े थे, लेकिन ऐसा वक्त आया कि दुनिया उनके बताए रास्ते पे चलने लगा। आप याद कीजिए ईसा के जमाने को, मूसा के जमाने को, कि वो जब सच बोले तो लोगों ने मानने से इनकार किया, फिर एक ऐसा वक्त आया कि उनके बताए रास्ते पे ही चलने लगे। आप याद कीजिए कॉपरनिकस के जमाने को, कि उन्होंने कहा कि पृथ्वी का चक्कर सूरज नहीं लगाता है, सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाती है। इस बात को कोई नहीं माना और सजा दी गई ये बात बोलकर कि आप बाइबल के खिलाफ बोल रहे हैं। कितना मजेदार चीज है, जिस सच के लिए ईसा सूली पे चढ़ गए उन्हीं के नाम पर जो लोग धर्म चला रहे थे वो दूसरा सच मानने को तैयार नहीं थे। दुनिया, सभ्यता, इतिहास इसी गति से आगे बढ़ता है। सच बोलने की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, लेकिन एक वक्त आता है कि उस सच को भी लोग मानने लगते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि संख्या देख करके सच या झूठ का फैसला मत लीजिए। संख्या देखकर अगर आप सच और झूठ का फैसला लेंगे तो कई बार आपको भ्रम होगा, कई बार आपको इल्यूजन होगा और आप झूठ को ही सच मानने लगेंगे। मसलन आज की जो सरकार है उसके पास संख्या है, उसके पास नंबर है, और इस संख्या के दम पर वो अपने गलत को भी सही साबित कर रहे हैं, अपने झूठ को भी सच साबित कर रहे हैं और अपनी लूट को भी देश हित और देशभक्ति साबित कर रहे हैं। सवाल यह है कि हम क्या करेंगे, क्या हम भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे या इस बात के लिए साहस जुटाएंगे कि चाहे हमारा हश्र कुछ भी हो हम सच बोलेंगे। ये जिम्मेवारी आज हमारे कंधों पर है और इस संबंध में मैं कुछ चीजें जो देश की सियासत में, पत्रकारिता में और हमारे जो नौजवान हैं उनका जो तकलीफ है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको किन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उस संबंध में कुछ बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक, कई बार यह होता है कि झूठ यदि आपको बार बार दिखाया जाए तो आप उस झूठ को सच मानने लगते हैं, और इस तकनीक का इस्तेमाल, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बाजार बहुत शानदार तरीके से हमारे साथ करता है। कैसे, जैसे क्रीम का प्रचार अगर आप देखे हो कभी टीवी पर तो ऐसे दिखाया जाता है जैसे इस क्रीम को लगा लेने भर से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। डिओड्रेंट का प्रचार अगर आप देखते हो कि ये डिओड्रेंट लगा लेने भर से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, सरकार भी उसी प्रचार के तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। और बार बार यदि हर जगह आपको एक चीज दिखाई जाए तो मासूमियत में ही सही लोग उस झूठ को सच मानने लगते हैं। अब जैसे जो भी गतिविधि आज हमारे आसपास हो रही है, चाहे उसके लिए कहा कुछ भी जाए,
लेकिन उसके मूल उद्देश्य को छुपा लिया जाता है। कहा यह जाता है कि तीन तलाक का बिल लाने से मुस्लिम महिलाओं का जीवन सुधर जाएगा, लेकिन इसकी जो असली वजह है उस वजह को छुपा ली गई है। कहा यह गया है कि 370 हटा लेने से कश्मीर के लोगों का जीवन सुधर जाएगा, लेकिन इसमें जो असली वजह है उसको छुपा ली गई है। और इस दो बिल पे चर्चा करने से पहले मैं दो और बिल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। याद कीजिए, जब 8 तारीख को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद, नक्सलवाद और काला धन का समस्या समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी हुई, लोगों ने प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा किया और उनको 50 दिन का वक्त दिया। 50 दिन का वो वक्त मांगे थे और बोले थे कि अगर नहीं होगा तो हम किसी चौराहे पे आ जाएंगे। यह बात अलग है कि लोग चौराहे पे आ गए और वो पार्लियामेंट में बैठ गए। नोटबंदी के बाद इन तीन चीजों पे जो प्रधानमंत्री ने हमसे वक्त मांगा था उस पर कोई समाधान हमारे पास संभव हो पाया? आतंकवाद, अगर नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई तो पुलवामा में हमला किसने किया? अगर नोटबंदी के बाद नक्सलवाद की कमर टूट गई तो आए दिन हमारे पुलिस के जवान देश के अलग अलग हिस्सों में शहादत क्यों दे रहे हैं? अगर काला धन वापस आ गया तो हमारे खाते में 15 लाख रुपए अभी तक क्यों नहीं आया है? दूसरा बिल GST को जब पेश किया गया तो कहा गया एक राष्ट्र एक टैक्स। सुनने में कितना अच्छा लगता है, एक राष्ट्र एक टैक्स, एक नेता एक दल एक प्रधानमंत्री, अच्छा लगता है ना सुनने में? दो बात बोलते हैं, दो बात छुपा लेते हैं। एक राष्ट्र एक टैक्स तो बोलते हैं, लेकिन उनकी जो असली मंशा है एक राष्ट्र एक नेता एक दल, इस बात को वो छुपा लेते हैं। और दावा ये था कि GST लागू करने के बाद ईज ऑफ टैक्स होगा। ईज ऑफ टैक्स हुआ, यह बात आप खुद विचार करके देखिए। तो जो आपको कहा जाता है, जो आपको दिखाया जाता है, अक्सर वो सच नहीं होता है। दीपिका पादुकोण लक्ष्य का प्रचार करती है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो लक्ष्य नहीं लगाती है। सचिन तेंदुलकर बूस्ट का प्रचार करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ना वो पीते हैं ना अपने बाल बच्चों को पिलाते हैं। ये तो वीडियो अपलोड करने का जमाना है, टिकटॉक बनाने का जमाना है। तो कोई अभिनेता नेता या खिलाड़ी जो सामान हमको बेच रहा है उस सामान को यूज करते हुए रोज अपना एक वीडियो जारी करे तब मैं समझूंगा। रोज खैरन लवली लगाता हुआ अपना एक वीडियो जारी करे तब मैं समझूंगा। रोज अपने बच्चों को बॉर्नविटा पिलाता हुआ कोई एक वीडियो जारी करे तो मैं समझूंगा। जो बात बोली जाती है और जो बात दिखाई जाती है वह बात असल में होती नहीं है। असल में हो क्या रहा है इस बात को आप समझिए। हो यह रहा है कि इस देश में जमहूरियत संकट में है और यह काम कोई हमारे बीच का आदमी जो जमहूरियत के खिलाफ हो और जमहूरियत का खिलाफत करने का उसका मनसा हो इसको जाहिर करके नहीं कर रहा है। जमहूरियत का रहबर बन करके, जमहूरियत का पहरेदार बन करके, जमहूरियत के रास्ते को अपना करके, चुनाव जीत करके, प्रधानमंत्री बन करके इस देश की जमहूरियत की हत्या कर रहा है, इस बात को आप समझ लीजिए। इसीलिए
उसका विरोध कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए गलत को पहचानना मुश्किल होता जा रहा है और बार बार झूठ को इस करीने से सजाया जा रहा है कि हम झूठ को ही सच मानने लगे हैं। जमहूरियत के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस देश का जो आईन है, इस देश का जो संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है वो कहती है हम भारत के लोग, वो तो हिंदू या मुसलमान नहीं कह रहा है, लेकिन हर वो कार्रवाई जिसके बाद देश में एक चर्चा शुरू होती है सब कुछ छोड़ करके हिंदू और मुसलमान होने लगता है। फर्ज कीजिए कि अगर यही समझदारी इस देश के उन नेताओं की होती जो अंग्रेजों से लड़े थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, अपनी जिंदगी गंवाई, इस देश को बनाया, तो इस देश की शक्ल और सूरत ऐसी नहीं होती। हमको इस बात के लिए गर्व महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान को जिन्ना और हिंदुस्तान को नेहरू मिले थे। इस बात के लिए हमको गर्व महसूस करना चाहिए कि नेहरू अगर नहीं होते देश के पहले प्रधानमंत्री, तो उस वक्त जो देश का हालात था, इस देश को आपस में जोड़ के रख पाना मुश्किल होता। और तमाम तरीके के जो विरोध थे आपस में, उस विरोध को स्वीकार करते हुए, उसको राजनीतिक क्रियाकलाप में जगह देते हुए एक ऐसा संविधान तैयार किया गया कि किसी भी समुदाय को, किसी भी भाषा को बोलने वाले लोगों को, किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को, किसी भी जाति के लोगों को, किसी भी क्षेत्र के लोगों को, किसी भी लिंग के लोगों को यह एहसास नहीं हो कि यह मुल्क उनका नहीं है। और बड़ी मुश्किल से तमाम लोगों को आपस में जोड़कर हिंदुस्तान की यह तस्वीर तैयार करने की कोशिश की गई। आज उस कोशिश को मजबूत करने की बजाय उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। बोला चाहे कुछ भी जाता हो, असल उद्देश्य यह होता है कि हर चीज में हिंदू और मुसलमान का बंटवारा कैसे किया जाए, इस दो समुदाय के बीच नफरत की खाई को मजबूत कैसे किया जाए, उस खाई को बढ़ाया कैसे जाए। और सालों से जो हम साथ रहते आए हैं, अपने तमाम मतभेदों के बावजूद हमारे इस रिश्ते को कमजोर कैसे किया जाए, इसीलिए आप देखेंगे कि जिसको यह नहीं मालूम कि देश में जो संविधान है उसकी प्रस्तावना के कितने लाइन हैं, वह भी 370 का एक्सपर्ट बनकर के घूम रहा है। जिसको यह नहीं मालूम कि J&K में जिला कितना है, वह भी कश्मीर का एक्सपर्ट बनकर के घूम रहा है। यह जो परिस्थिति है, इसकी मूल भावना क्या है? मूल भावना यह है कि बार बार जो बात बोली गई उस बात को सही साबित किया जाए, इतिहास को पलट दिया जाए। जैसे आप में से कई लोगों ने एक बात सुनी होगी, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम बने, प्रधानमंत्री बने, तो लोगों ने कहा हिंदुस्तान 47 में नहीं 2014 में आजाद हुआ है। इस बात को आप लोग सुने होंगे और आपको याद भी होगा। यह बात क्यों बोली गई, इस बात पर आप विचार कीजिए। और जो बात 2014 में बोली गई, बार बार ये बात दोहराई जाती है। इसलिए यह बात कही गई कि उनका यह मानना है कि हिंदुस्तान मुगलों के आने के बाद गुलाम हुआ, पहले मुगलों की गुलामी रही, फिर अंग्रेजों की गुलामी रही, और अंग्रेजों की गुलामी के बाद कांग्रेस के माध्यम से देश सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का गुलाम बना रहा, ये उनका मानना है। और इस बात को वो लगातार बोलते रहे।
अपने अखबारों के माध्यम से, अपने टीवी चैनल के माध्यम से, अपने स्कूलों के माध्यम से, अपने कॉलेजों के माध्यम से, और एक ऐसी पीढ़ी तैयार हुई जिस पीढ़ी को इतिहास का जो सच है उस सच से काट कर उसके दिमाग में एक झूठ बिठा दिया गया। और उस झूठ का असर ऐसा हुआ जैसे आप फेरन लकड़ी लगाने से गोरा हो जाते हैं। कोई ये थोड़ी मानता है या कोई ये थोड़ी समझने के लिए तैयार है कि हम कुछ भी मुंह में लगा लें हमारा असली रंग बदलने वाला नहीं है। ये जानते हुए भी हम खरीदते हैं क्रीम, रोज मुंह में लगाते हैं। ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई जो इस बात पर भरोसा करने लगी कि इस देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और जो ही ये पीढ़ी तैयार हुई उस पीढ़ी को अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकार ने एक योजना तैयार की। और वो योजना ये थी कि एक तरफ इस देश के संसाधनों को लूट कर जो मुट्ठी भर पूंजीपति हैं, जो कॉरपोरेट हैं, उनका खजाना भरा जाए, और दूसरी तरफ लोगों को हिंदू और मुसलमान के खेल में उलझा करके रखा जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि जब इकॉनमी बहुत बुरे तरीके से पिछड़ रही है और तमाम तरीके की समस्याएं हमारे जीवन में पैदा हो रहे हैं, तमाम तरीके के मसले हमारे जीवन में पैदा हो रहे हैं, उस पर लोगों की का ध्यान न जाए, उस पर कोई बहस नहीं हो, उसकी तरफ से हमारा ध्यान हटाने के लिए सरकार चाहे बोले कुछ भी, लेकिन उसका मूल उद्देश्य यह होता है कि हिंदू और मुसलमान के बहस को, हिंदू और मुसलमान के आपस की इस लड़ाई को उस आग में घी डालने का काम हमेशा होते रहना चाहिए। एक तरफ सरकार के पास जिससे उन्होंने वोट लिया है उसको ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं कुछ उदाहरण में आपके सामने रखता हूं। देश में जो 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं या किए हैं, क्या उसमें हिंदू नहीं है? 100 में से जो 45 लोग बेरोजगार हैं, क्या उसमें हिंदू नहीं है? पानी जो खत्म हो रहा है, प्यास से जो लोग मर रहे हैं, उसमें लोग हिंदू नहीं है? हैदराबाद के इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया, मैं वक्त पे तैयार होके बैठा हुआ था, लेकिन इतना माशाअल्लाह सुंदर ट्रैफिक है कि क्या बताएं। वक्त पे पहुंच गए। तो ये समस्या जो है वो हिंदुओं की समस्या नहीं है। 10 साल में देश के प्रमुख शहरों का पानी खत्म हो जाएगा, ये समस्या हिंदुओं की समस्या नहीं है। हर 3 मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, ये समस्या हिंदुओं की समस्या नहीं है। इन सारी समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान न जाए और चुनाव के वक्त बहुत आराम से हिंदू मुसलमान करके ये चुनाव जीत जाएंगे। इस चीज से अगर हम लगना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक बेहतर मुल्क बने जिसमें हिंदू भी अमन से रहें, मुसलमान भी चैन से रहें, जिसमें सिख भी रहें, ईसाई भी रहें, बुद्धिस्ट भी रहें, जैन भी रहें, पारसी भी रहें, और वो लोग भी रहें जो कहीं नहीं जाते हैं। ऐसे मुल्क की कल्पना हमारे देश के नीति निर्माताओं ने की थी कि जिसको जहां जाना है, जो मंदिर जाना चाहता है मंदिर जाए, जो मस्जिद जाना चाहता है मस्जिद जाए, जो गुरुद्वारा जाना चाहता है गुरुद्वारा जाए, जिसको चर्च जाना है वो चर्च जाए, जो भगवान बुद्ध की शरण में जाना चाहता है वो वहां जाए, जो टेम्पल ऑफ फायर में जाना चाहता है वहां जाए, जो भगवान महावीर की पूजा करना चाहता है वहां जाए, और जिसको कुछ समझ में नहीं आता है वो घर में ही बैठ करके नेटफ्लिक्स देखे। ऐसी कल्पना की गई। आखिर यह शुरू क्यों किया गया है?
इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? अक्सर लोग हमको आकर के पूछते हैं कि साहब आप 3 तलाक पे कुछ नहीं बोले, साहब आप 370 पे कुछ नहीं बोले, साहब सिविल कोर्ट पे आपका क्या कहना है। तो मैं यही कहता हूं कि देखिए, ये करें कुछ भी, ये कहें कुछ भी, इनकी नीति का सवाल नहीं है, इनके नियत का सवाल है। इस बात को अगर नीति का सवाल हो तब तो कुछ बोला जाए, जब नीयत ही खराब हो तो उस पर क्या बोला जाए। और वैसे भी हमारे जैसे लोगों को, अलहदा कि हमारा नाम कन्हैया है, हमारे जैसे लोगों को हिंदू विरोधी, देश विरोधी, सेना विरोधी, इस तरह के कैटेगरी में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम इस देश में जमहूरियत की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा था, आज उस नारे को आगे बढ़ाते हुए जय जवान जय किसान और जय संविधान कहने की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों की भाषा को व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से, हम लोगों की लड़ाई को फेसबुक पे नकली वीडियो के माध्यम से, हम लोगों की आवाज को जो चिल्लाने वाले एंकर हैं उन टीवी चैनलों के माध्यम से एक ऐसा शोर खड़ा किया जा रहा है जिसमें इंसान और इंसानियत की बात को गुमराह कर दिया जाए। इसीलिए मैं समझता हूं कि आज बोलने से ज्यादा जमीन पे कुछ करके दिखाने का वक्त है। इसीलिए मैंने ये तय किया जब चुनाव हुआ कि फेसबुक पे और ट्विटर पे कम समय देंगे। फेसबुक और ट्विटर पे जो हम अनुपस्थित हुए तो लोगों ने यह प्रचार करना शुरू किया कि चुनाव हार करके डर करके बैठ गए हैं। तो हमने कहा, पहली बात कि हम हारे नहीं हैं, हम हार नहीं सकते हैं। हम इसलिए नहीं हार सकते हैं कि हमारी लड़ाई स्पार्टाकस की लड़ाई है। जब तक देश और दुनिया में गुलामी रहेगी तब तक आजादी की आवाज कायम रहेगी, वो आवाज बुलंद रहेगी। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य सरकार बनाने का नहीं है, हमारा उद्देश्य देश बचाने का है, समाज बनाने का है। इसीलिए हम चुनाव पे निर्भर नहीं करते हैं। चुनाव जीतना अच्छी बात है, चुनाव जीतकर आप उस काम को ज्यादा बखूबी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको यहाँ से पैदल सिकंदराबाद जाना पड़े और जो है हमको 4-व्हीलर मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से हम जल्दी सिकंदराबाद पहुंच जाएंगे, लेकिन 4-व्हीलर नहीं है, इस निराशा में चलना बंद नहीं कर देंगे, चलते रहेंगे, कदम बढ़ाते रहेंगे। तो उस ओर बढ़ते हुए कदम से मंजिल नजदीक ही होगी, मंजिल दूर नहीं होगा। इसीलिए हम आप लोगों से भी एक आग्रह करना चाहते हैं, जहां न्याय की आवाज को, संविधान की आवाज को, जमहूरियत और लोकतंत्र की आवाज को शोरगुल से दबाने का प्रयास किया जाए, जब सच को गुमराह करने के लिए परसेप्शन का इस्तेमाल किया जाए, ये पूरा का पूरा खेल जो है दरअसल वो परसेप्शन का है। परसेप्शन का खेल इस तरीके से हमारे साथ खेला जा रहा है कि जो असल बात है उसको ना बोल करके, जिससे आपकी भावना आसानी से जुड़ सकती है, उस बात को यदि बोला जाए तो उस परसेप्शन के लोग शिकार हो जाते हैं। जैसे कोई अगर ये कहे कि अमुक बिल लाने से, कोई ये कहे कि अमुक बिल लाने से महिलाओं का कल्याण हो जाएगा, तो बताइए कोई उसका विरोध कैसे करेगा। कोई अगर ये कहे कि अमुक बिल लाने से अमुक जगह के लोगों का कल्याण हो जाएगा तो कोई उसका विरोध कैसे करेगा। कोई यह कहे कि अमुक बिल लाने से देश में भ्रष्टाचार, काला धन, लूट, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी तो कोई उसका विरोध कैसे करेगा। यह जो परसेप्शन का खेल है,
इस परसेप्शन के खेल को नोटों की जो कड़क होती है, जो सिक्के की खनक होती है, उसके द्वारा खड़ा किया जा रहा है। आपके पास कोई माध्यम नहीं है, आप ले दे करके किसी चीज को जानने के लिए या तो अखबार पर निर्भर करेंगे या टीवी पर निर्भर करेंगे। जब अखबार और टीवी उसके मालिक सत्ता के हाथ बिक जाएंगे तो आप यह कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके पास सच्चाई आएगी और सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। दिन रात जब आपको एक ही बात दिखाई जाएगी तो कहीं ना कहीं आप उसके शिकार हो जाएंगे। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह पूर्वक यह बात कहना चाहता हूं, यह मत सोचिए कि इस देश के सभी हिंदू नरेंद्र मोदी की तरह हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह मत सोचिए इस देश के सभी हिंदू आरएसएस के एजेंडे के शिकार हो गए हैं या उसके रास्ते पे चलने लगे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी सूरत बन जाएगी, माफ कीजिएगा, यह बहुत दर्दनाक स्थिति होगी, फिर इस देश को शायद एक बहुत ही बुरे हादसे से गुजरना पड़ सकता है। वैसी स्थिति ना बने इसके लिए जरूरी है कि हम आपस में संवाद को स्थापित करें, हम आपस में उन प्रतीकों को सामने लाने का प्रयास करें जिससे इस देश को जोड़ा जा सके। हम यह बताने की कोशिश करें कि अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती इस देश की असली पहचान है, इस देश की असली मिसाल है। हम यह कहने की कोशिश करें कि यह जो देश आज हमारे सामने है वो इसलिए है कि इस देश में रहने वाले लोग, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने इस देश से प्रेम किया है, इस देश से उनका भावनात्मक लगाव है। अगर भावनात्मक लगाव नहीं होता तो आप मुझे बताइए, तो फिर सारे के सारे मुसलमान 47 में ही पाकिस्तान चले गए होते। वो यहां पे क्यों रहे? वो यहां पे इसलिए रहे क्योंकि वो महसूस करते थे कि ये मुल्क उनका है, और उस वक्त के जो नेता थे उन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि ये मुल्क आपका है। लेकिन आज की जो सरकार है वह ऐसा माहौल पैदा कर रही है, एक अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो काम इस देश को तोड़ने का पाकिस्तान नहीं कर पाई, दुख की बात है कि वो काम इस देश की सरकार खुद कर रही है। कभी कभी भी किसी से भी किसी भी मौके पर उसके देशभक्त होने का प्रमाण नहीं मांगा गया, उसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, और अपने सरकार को सवाल पूछने के चलते, अपने सरकार की नीतियों की आलोचना करने के चलते किसी को भी देशद्रोही नहीं बताया गया। अगर सरकार की आलोचना करना देशद्रोह है, इसका मतलब इस देश में जो अब तक का विपक्ष रहा है, जिसमें कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं, उनको भी देशद्रोही कहा जाता जब वो कांग्रेस की सरकार का विरोध कर रहे थे। ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा की गई है जिसमें सरकार की आप किसी भी नीति का विरोध कीजिए तुरंत आपको पाकिस्तानी कहना लोग शुरू कर देते हैं। कल प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर बात वो जो कह रहे थे, और उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो जो कह रहे थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो कह रहे थे कि लोकतंत्र में मतभेद रखने का हमारा अधिकार है और उस मतभेद का हमको सम्मान करना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री अपनी तकरीर में बोल रहे थे। लेकिन अगर आप सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे तुरंत आपको पाकिस्तानी कहना शुरू कर देंगे। अभी बहुत सारे लोगों ने 370 के हटाए जाने का समर्थन किया, ठीक बात है, बहुत सारे लोगों ने 370 के हटाए जाने का विरोध किया। जो लोग समर्थन कर रहे थे उन्होंने क्या क्या तर्क दिया है, इस बात पे जरा गौर फरमाइएगा।
मैं दोनों पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं इसलिए नहीं रख रहा हूं कि मुझे किसी चीज का विरोध करना है। मैं इसलिए यह बात रख रहा हूं कि समाज में जो स्थिति पैदा की जा रही है वह परिस्थिति भयावह है, उससे हमको आगाह रहने की जरूरत है। जो लोग पक्ष में लिख रहे थे वो कह रहे थे, मैं तो इस बिल का इसलिए समर्थन कर रहा हूं क्योंकि इसका विरोध पाकिस्तान कर रहा है। बताइए, ये किसी भी चीज का सही होने का आधार हो सकता है कि पाकिस्तान जो काम करता है या पाकिस्तान जो कह रहा है उसका विरोध हम करेंगे? तो मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि ये बताओ कि पाकिस्तानी भी मुंह से खाते हैं, बोलो कल कहां से खाओगे तुम? कल से ये कोई आधार हो सकता है क्या? वो विरोध कर सकता है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, उसके साथ हमारे कई झंझट हैं, पाकिस्तान ने कई बार हमारे साथ धोखाधड़ी की है, पाकिस्तान के चलते हमारे बहुत सारे माओं बहनों ने अपना बच्चा और अपना शौहर खोया है, तो उसके साथ एक गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन भारत के लोग जो भारत में पैदा हुए, भारत में अपना जीवन जिए, जिनका इतिहास भूगोल भारत से जुड़ा हुआ है, आप अपने ही नागरिकों को पाकिस्तानी कैसे कह सकते हैं? पूरा का पूरा विपक्ष को आज पाकिस्तानी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 370 का हटाए जाने का विरोध किया। विपक्ष का यह तर्क है कि 370 को जिस तरीके से हटाया गया है, इस आधार पर कश्मीर का मसला सुलझेगा नहीं, कश्मीर का मसला उलझेगा, ऐसा विपक्ष का कहना है। सरकार का क्या तर्क है? सरकार का तर्क है कि नहीं, 370 की वजह से ही कश्मीर का मसला नहीं सुलझ रहा था, 370 के हट जाने से कश्मीर का मसला सुलझ जाएगा। अब ये दोनों तर्क आपके सामने में है। समर्थन में जो लोग हैं वो कुछ और मजेदार तर्क दे रहे हैं। जैसे दो तर्क बहुत मजबूती से दिया गया, एक कि कोई भी आदमी अब कश्मीर जाकर के जमीन खरीद सकता है, और दूसरा कश्मीरी लड़कियों से शादी कर सकता है। अब आप बताइए कि आपकी नजर में कश्मीर का महत्व सिर्फ इतना है कि आप जमीन खरीद सकें और शादी कर सकें, क्या इसमें अपनापन है? क्या इसमें मोहब्बत है? क्या आप का यह दावा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है उसको सही साबित करता है? अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो सिर्फ कश्मीर की लड़कियां हमारी हैं, कश्मीर के लड़के हमारे नहीं हैं, कश्मीर के बूढ़े और बुढ़िया हमारे नहीं हैं। आप सोचिए इस बात को, कश्मीर में रहने वाले लोग भारत के लोग हैं, और भारत के जो दूसरे हिस्से के लोग हैं उनकी यह जिम्मेवारी है कि मोहब्बत से उनका दिल जीता जाए। बंदूक से जमीन जीती जाती है, दिल नहीं जीता जाता, लेकिन उद्देश्य भी जमीन जीतने का ही है, दिल जीतने का नहीं है। अगर दिल जीतने का उद्देश्य होता तो फिर ये तर्क नहीं गढ़े जाते, फिर ये नहीं कहा जाता कि हमको सिर्फ और सिर्फ जमीन से मतलब है। और एक बात बताइए, हम तो जो है अपनी पड़ोस में नहीं जमीन खरीद पाए हैं, बढ़िया ढंग का एक शौचालय नहीं बनवा पाए घर में, तो डल झील के बगल में अपार्टमेंट कहां से बनवा लेंगे? हैदराबाद में तो जमीन मिल नहीं रही है, कश्मीर में जाकर के कहां से जमीन खरीदेंगे? इतना कमजोर तर्क। लेकिन मैं बस आप लोगों से कहना चाहता हूं, मूल बात यह है कि 370 रहे या हट जाए, कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा था, यह बात आप जान लीजिए। यह बड़ी जल्दबाजी होगी कि इस पर कोई बयान दिया जाए, नीति से ज्यादा अगर नियत को आप समझने का प्रयास करेंगे तो इतना मैं दावे से कह सकता हूं कि जैसे नोटबंदी के बाद कालाधन, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो गई, जीएसटी के बाद टैक्स चोरी की समस्या समाप्त हो गई, वैसे ही 370 हटा देने से
कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। इंतजार कीजिए, वक्त के साथ सही चीज ही सामने आएगी। मैं आपसे सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूं कि इन चीजों में मत उलझिए। वो आपको बार बार ऐसे भावनात्मक मसलों पर उलझाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि उस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय जो ठोस सवाल है, उन ठोस सवालों को आप समझने का प्रयास कीजिए। कितने लोग हैं जो चार बीवी रखेंगे, मुझे बताइए तो। एक बीवी संभलती नहीं है, और एक बीवी जो है वो कितनी समस्याओं को झेलती है। आज का जो हमारा मसला है वो ये मसला है कि हम कितनी शादी करेंगे। आप खुद सोच करके बताइए, क्यों ये बात बोला गया, यह बात क्यों बोली जाती है? क्योंकि पता है कि इन मसलों पे ही लोग सड़कों पे निकलेंगे, और जब लोग सड़कों पे निकलेंगे तो बहुत आसानी से भाजपा के जो समर्थक हैं या जो भाजपा के लोग हैं वो हिंदुओं को दिखा पाएंगे कि देखो, देख रहे हो। इसीलिए कहता हूं कि ये जब तक रहेंगे, जब तक तुम इनको बराबरी का अधिकार देते रहोगे तब तक जो है ये तुम्हारे सर पर बैठे रहेंगे, और ये जो सेकुलर लोग हैं इन लोगों की वजह से ही जो है इनका मन बढ़ा हुआ है। असल बात उनको बताइए कि जिन लोगों ने सेकुलर पॉलिटिक्स की, उन लोगों ने इस देश के मुसलमानों को क्या दिया, क्या दिया? कुछ देने का मतलब यह होता है कि आपने उस समुदाय के लिए कोई ठोस काम किया हो। कौन सा ठोस काम किया है? एक कमेटी बनी थी, सच्चर कमेटी, साहिद कमेटी नहीं थी, सच्चर कमेटी थी। नाम पे गौर फरमाइएगा, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू की गई। सच्चर कमेटी की सिफारिश में कहा गया कि कई जगह मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा खराब है। यह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। तो क्या सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले जो पार्टियां हैं उन्होंने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की जहमत उठाई? उन्होंने भी ईमानदारी से सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं किया। उसी का नतीजा है कि जो पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम से आज सत्ता में आई है, स्वाभाविक रूप से वो अपनी राजनीति करेगी। वो ऐसे भावनात्मक मुद्दों को उछालेगी जिसके आधार पर धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा सके। अगर कोई कहता है कि किसी बिल के लाने से महिलाओं की समस्याएं समाप्त हो जाएगी तो उसका सबसे आगे बढ़कर के हम समर्थन करेंगे, लेकिन फिर ये सवाल भी पूछेंगे कि मोदी जी आप अपने घर की भी एक महिला को न्याय दिला दीजिए। ये सवाल भी तो करेंगे ना। हम ये भी कहेंगे कि आप अगर 370 हटा करके कश्मीरियों का भला करना चाहते हैं तो बिहार में नई फैक्ट्री लगा करके हम बिहारियों का भी भला कर दीजिए। ये सवाल भी तो हम पूछेंगे। ये पूरी की पूरी परिस्थिति और ये पूरा का पूरा जाल जो बुना गया है, मैं सिर्फ आपसे उस जाल को समझने का और उससे बचकर निकलकर इस देश को बचाने का अपील कर रहा हूं। जानबूझ करके अभी ये तो दो मसले हुए हैं, अभी इंतजार कीजिए। हर बार एक नया मसला, एक नई बहस समाज में छोड़ी जाएगी, छेड़ी जाएगी और लोगों को आपस में बांट दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि 3 तलाक बिल के मौके पे बहुत सारे लोग जो हैं, जिनके साथ आपके बड़े अच्छे संबंध थे, वो संबंध बिगड़ गया होगा। अभी 370 आया है, बहुत सारे वो दोस्त जिनके साथ आपने बचपना बिताया है उनके साथ आपके संबंध खराब हो गए होंगे। फेसबुक पे ब्लॉक कर दिए होंगे, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिए होंगे और कह रहे होंगे अरे ये तो भाजपा ही हो गया है। फिर नया मसला आएगा, कभी मंदिर का मसला आएगा, कभी कॉमन सिविल कोड का मसला आएगा, और फिर ये समाज जो है, जो ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है, वो और बढ़ जाएगा। प्रश्न किसी चीज के समर्थन का
और विरोध का नहीं है। प्रश्न उस मानसिकता का, उस जहन का विरोध का है जो इस देश की एक आबादी को अदराइजेशन के प्रोसेस में डालकर उनको यह एहसास करा रहा है कि यह मुल्क तुम्हारा नहीं है, रहना है तो शांति से रहो, नहीं तो जो है जूता मार करके भगा दिए जाओगे। आप सोचिए, हैदराबाद में वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन आसाम में एनआरसी के चलते कैसी परिस्थिति पैदा हुई है। और वो एनआरसी का मसला सिर्फ आसाम तक नहीं रुका है, अगली बार जब बंगाल का चुनाव होगा तो वो एनआरसी का मसला बंगाल भी पहुंच जाएगा। मैं मूल रूप से जो कहना चाहता हूं, 370 पे आप क्या कहना चाहते हैं वो आपका निर्णय है, 3 तलाक पे आप क्या कहना चाहते हैं वो आपका निर्णय है, कॉमन सिविल कोड पे आप जो कहना चाहते हैं वो आपका निर्णय है, लेकिन मैं मूल बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब जमहूरत जमहूरियत रहेगा, जब पार्लियामेंट्री प्रोसेस रहेगा, जब फेयर तरीके से इलेक्शन होगा और जब सिटीजनशिप के आधार पर हम सब सिटीजन रहेंगे, तभी ये सारे मसले भी लोकतांत्रिक तरीके से हल किए जाएंगे। हमारा प्रश्न उससे आगे बढ़कर के ये है कि परसेप्शन का इस्तेमाल करके, प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके, सूचना तंत्र को लकवाग्रस्त बना करके आज समाज में लोगों के असली मिसाइल से ध्यान हटाकर वैसे चीजों को छेड़ा जा रहा है जिससे लोगों का असली मसला हल नहीं होगा, उल्टे असली मसले उलझ जाएंगे। जो काम इस देश में विदेशी ताकत, आतंकवादी संगठन, इस देश को कमजोर करने वाली ताकतें नहीं कर पाएंगी, वो काम आज इस देश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए हमारा आपसे आग्रह ये है कि आज के दौर में चाहे हम मुट्ठी भर लोग क्यों ना हो, हमें न्याय के लिए, हक के लिए, सच्चाई के लिए अपनी आवाज को मुखर तरीके से उठाना पड़ेगा। चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमको जेल की यातना झेलनी पड़े, चाहे हमारे ऊपर तमाम तरीके का तोहमत लगाया जाए, लेकिन हम सच बोलने की हिम्मत करें, क्योंकि सच ही इतिहास में रहता है और सच के लिए लड़ने वाले लोगों का नाम ही इतिहास में दर्ज होता है। इसी उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ कि आपका यह पहल कामयाब हो, आपकी यह लड़ाई आगे बढ़े और देश के जो रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण का जो सवाल है, उन सवालों पे हम लोगों को गोलबंद करें। और आखिरी बात बोलते हुए और अपनी चिंता जाहिर करते अपनी बात को खत्म करूंगा कि यह वतन हिंदुस्तान को क्या हो गया, यह वतन हिंदुस्तान को क्या हो गया, देखते देखते ही देखते सब कुछ हिंदू और मुसलमान हो गया। यह जो कोशिश है, इस कोशिश को नाकाम किया जाए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमारा जाति धर्म कुछ भी हो, यह देश रहेगा, इस देश का संविधान रहेगा, इस देश की आयन अगर कायम रहे, इस देश की जमहूरियत अगर जिंदा रहे, तो हम सब भी जिंदा रहेंगे और हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश छोड़ करके जाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों से विदा लेता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।